Hi friend, this is Asim. You may call me Prince from Law Faculty DU. Today I would like to discuss landmark case of Limitation Act 1963, which is mentioned in our case map. RB policy at Lloyd versus Butler, ये 1949 का केस है और ये जो केस है वो सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 पे बेस्ड है. सेक्शन 3 जो है वो ये कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंड इन सेक्शंस 4 टू 24, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड अपील प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड शैल बी डिसमिस्ड ऑल द लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज डिफेंस. इसका मतलब ये है कि अगर सेक्शन 4 से सेक्शन 24 के बीच में अगर कोई भी सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है या फिर अपील प्रेफर्ड किया जाता है या फिर अप्लीकेशन मेड किया जाता है प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद, तो फिर वैसे सूट को या अपील को या फिर अप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया जाएगा और कोर्ट उसे इंटरटेन नहीं करेगी. यानी सिंपल समझो, आप इस तीनों में से अगर कुछ भी आपको करना है तो प्रिस्क्राइब पीरियड से पहले करना है, बाद नहीं, क्योंकि ये टाइम बार्ड लिमिटेशन हो जाएगा. अब आते हैं इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट पे. इस केस का फैक्ट ये है कि प्लेंटिव आरबी पॉलिसीज होती है और 1940 में उसकी एक मोटर कार है जो चोरी हो जाती है. तो जब वो 1940 में चोरी हो जाती है तो वो ना ही कोई सूट इंस्टीट्यूट करता है. तो फिर 1947 में आरबी पॉलिसीज किसी और पर्सन के हाथ में वो अपनी कार देखता है. जैसे ही उसने कार देखी, उसने अपनी कार पहचान ली और तब वो कोर्ट में रॉन्गफुल डिटेंशन ऑफ कार के ग्राउंड पे सूट इंस्टीट्यूट कर देता है और अपनी कार को क्लेम करता है. तो इस बात को ध्यान रखना है कि 1940 से लेकर के 1947 के बीच में, यानी कि 6 साल का जो पीरियड था, इस बीच में उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया. अब इशू ये है कि क्या ये टाइम बार्ड सूट है, यानी कि एप्लीकेशन जो उसने किया या फिर जो भी सूट उसने जो इंस्टीट्यूट किया वो टाइम बार्ड है या फिर विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम है. तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर कोई भी पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट अगर ट्रेसेबल नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है और उसके अगेंस्ट में सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता है. मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपकी कार 1940 में चोरी हुई, तो 1940 में भले ही आपका आपकी कार का कोई ट्रेस नहीं हो पा रहा था, वो ट्रेसेबल नहीं थी, लेकिन आप उसके अगेंस्ट में फाइल यानी कि कंप्लेंट या फिर सूट इंस्टीट्यूट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया. आपने 6 साल के बाद सूट इंस्टीट्यूट तब किया जब आप अपनी कार को किसी और हाथ में देख रहे हैं. ये ध्यान देने वाली बात है कि इस बीच में, यानी इस 6 साल के बीच में, वो जो कार है बहुत लोगों के हाथ से होकर के उस पर्सन के हाथ में गई थी जिसके हाथ में उसने अपनी कार देखी थी. तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपका जो सूट है वो टाइम बार्ड है, यानी कि आपका जो लिमिटेशन पीरियड है वो ओवर हो चुका है, आपने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि द पर्सन हु स्लिप्स ऑफर हिज राइट कांट क्लेम हिज रिमेडी. यानी कि जो CPC का जो प्रोविज़न या फिर जो लीगल प्रोविज़न जो है वो उन लोगों के लिए है जो अपने राइट के प्रति कंसस हो. जो लोग अपने राइट के प्रति सोए हुए हैं उनके लिए लीगल प्रोविजंस नहीं है. तो अगर आपको आना है तो विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम आइए, उसके बाद अगर आते हैं तो वो टाइम बार्ड सूट होगा और वो इंटरटेन नहीं किया जाएगा. तो इस केस में जो रॉन्गफुल डिटेंशन ऑफ कार और के लिए वो सूट फाइल करता है और साथ ही साथ पोजीशन वापस लेना चाहता है अपनी कार का, वो डिसमिस कर दिया जाता है और कार जिस आदमी के हाथ में होती है उसी आदमी के हाथ में रह जाती है, क्योंकि ये टाइम बार्ड सूट हो जाता है. तो इस केस का फैक्ट इशू जजमेंट यही है. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.